हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड आर्ट्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम अपडेट्स के बारे में, कौन कौन से MIUI सिस्टम अपडेट्स आए हैं जुलाई और जून लास्ट तक, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे अपडेट सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सबसे पहला अपडेट आया आपको गैलरी का, इसे मैंने अपडेट कर लिया है। तो देख सकते हैं, इसमें चेंज लॉग की बात करें तो देख सकते हैं, फोटो पेज रिव्यू एंटर डेवलपमेंट वर्जन और टॉगल हैज़ बीन एडेड एट द बॉटम ऑफ द फोटोज़ पेज टू क्विकली स्विच बिटवीन ऑल एंड कैमरा। मतलब जो ऑल और कैमरा, ये तो पहले भी अपडेट आया था, उसको थोड़ा बग फिक्स किया गया है। ऑल और कैमरा नीचे में आपको दिखाता है तो उसमें आप स्विच कर सकते हैं। और तो ये एक चेंज लॉग है। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ AI का इम्प्रूवमेंट किया गया है। और गाइस देख सकते हैं, कुछ न्यू एक फिल्टर ऐड हुआ था, ये तो अल्फा वर्जन है गैलरी का, मैं आपको वो वाला दिखा देता हूँ, स्टेबल वाला। हाँ, देख सकते हैं गाइस, 2 न्यू फिल्टर ऐड हुआ है, साया यून एंड यूथ एंड अपडेटेड द लेबल स्टाइल एंड ऑप्टिमाइज एल्बम परफॉर्मेंस। ये कुछ बग फिक्स किए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस अपने स्क्रीन पर। और बात करें दूसरे अपडेट के, तो मैसेजिंग का चाइना में न्यू अपडेट आया, वर्जन 12.3.1.3.3। ये आपको ग्लोबल में वर्क नहीं करेगा अगर आपके पास गूगल का फ़ोन और मैसेंजर इंस्टॉल है, तो इसे अपडेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और देख सकते हैं स्कैनर का न्यू अपडेट आया है, कुछ भी चेंज लॉग नहीं दिया गया है। और अगर बात करें तो वेदर का एक न्यू अपडेट आया है, ऑप्टिमाइज एंड फिक्सिंग बग्स है। देख सकते हैं वेदर का भी मैंने इंस्टॉल किया है, देख सकते हैं इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा था वैसा ही सेम है। और गेटअप्स का न्यू अपडेट आया है, देख सकते हैं गेटअप्स तो वैसे भी कोई यूज़ करता नहीं है, पर मैं आपको अपडेट आया, सिस्टम ऐप है तो मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं गाइस। और ये न्यू अपडेट होने के बाद एक चेंज मेरे को देखने को मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जब आप सिस्टम ऐप अपडेटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इतना पार्ट है इसका थोड़ा डार्क मोड का थोड़ा लेआउट, उसको थोड़ा डिम कर दिया गया है, देख सकते हैं गाइस आप लोग स्क्रीन पर। और बात करें अगले अपडेट के बारे में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू चाइना रोम का बीटा अपडेट आया था, उसमें कुछ कुछ न्यू आया है। देख सकते हैं कैलकुलेटर का ये कुछ है, लेआउट चेंज किया गया है, देख सकते हैं गाइस MIUI 12.5 में। ये आपको जल्दी अपडेट देखने को मिल जाएगा, अगला MIUI 12.5 है, उसमें बीटा अपडेट में था। और MIUI लॉन्चर का रिलीज वर्जन आ चुका है 4.21, और ये ग्लोबल रोम में वर्क नहीं करेगा। और MIUI 11 आपके पास है तो इसमें वर्क नहीं करेगा, आपको इंस्टॉल करना होगा। चैनल का लिंक आपको मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मिल जाएगा। और देख सकते हैं मी रिमोट और यही मी गैलरी का न्यू अपडेट है। और वैसे बात करें सिस्टम लॉन्चर का, तो सिस्टम लॉन्चर मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, बट हाँ मेरा जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर था उसमें एक न्यू अपडेट मेरे को देखने को मिला है, देख सकते हैं गाइस। अरेंज आइटम इन रिसेंट्स, ये अब आ चुका है सबके लिए पब्लिकली। अगर आपने सिस्टम लॉन्चर का एक भी अल्फा या रिलीज वर्जन नहीं किया था तो उसमें ये आपको देखने को मिल चुका है गाइस, देख सकते हैं। ये मुझे ये कल अपडेट देखने को मिला था सिस्टम लॉन्चर का, देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं गाइस, मैं आपको देख सकते हैं, रिलीज वर्जन 4.21 ओनली फॉर MIUI 12 यूज़र, फिक्स लॉन्चर क्रैश एंड नो रिस्पॉन्ड प्रॉब्लम्स। फिर मुझे पैकेज इंस्टॉलर का एक न्यू अपडेट देखने को मिला था, और अपडेटर का दिखा देता हूँ गाइस मैं आपको, एक सेकेंड। हाँ, देख सकते हैं गाइस अपडेटर में कुछ भी चेंज नहीं है, ये MIUI 12.5 Redmi Note 7 Pro के लिए रिलीज़ हो चुका है, उसी के लिए ये अपडेटर का ऐप दिया गया है, अपडेट दिया गया है, देख सकते हैं गाइस। और Xiaomi Cloud का न्यू अपडेट आया है, मैं दिखा देता हूँ, Xiaomi Cloud देख सकते हैं गाइस, Xiaomi Cloud का भी न्यू अपडेट आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा था नॉर्मल वैसा का वैसा ही है। और अगला अपडेट की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ गाइस, Xiaomi Cloud हो गया, रिकॉर्डर का और मी शेयर का अपडेट आया था, देख सकते हैं गाइस, दिखा देता हूँ आपको, इसमें भी देख सकते हैं गाइस इसका लेआउट भी चेंज हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस देख सकते हैं, इतना ही अपडेट आया लास्ट के 10 डेज में, जुलाई जून ख़त्म होने टाइम, तो ज़्यादा कुछ नहीं आया। और गैलरी का अल्फा वर्जन भी स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको अपडेट करना होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपको कोई भी सिस्टम अपडेट्स ऐप अपडेट करना हो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप मांगेंगे तो मैं आपको अपडेट लिंक दे दूंगा। और हाँ गाइस, अगर आप गूगल सिस्टम अपडेट अपना ओपन करेंगे तो आपको एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगा जून सिक्योरिटी पैच के साथ, दिखा देता हूँ, ये आज सुबह ही में अपडेट आया है,
यहाँ पे आपको जाना होगा सिक्योरिटी स्टेटस में, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट्स, यहाँ पे आपको वो अपडेट देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं चेकिंग फॉर अपडेट, देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 10 गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 जून 2021 आपका मई होगा, तो ये आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, देख सकते हैं 1.9 MB का अपडेट है छोटा सा गूगल प्ले सिस्टम अपडेट। सो गाइस चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको कोई भी ऐप अपडेट्स आएगा तो मैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं गाइस। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।